सब्सक्राइब कीजिए अकेडमी 24x7 यूट्यूब चैनल को और प्रेस कीजिए नोटिफिकेशन बेल को, जिससे आप कोई भी करियर अपडेट मिस ना कर सकें। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं आज आप लोगों के लिए फिर से एक नया वीडियो करंट अफेयर्स का लेकर हाजिर हूं, और ये करंट अफेयर्स रिलेटेड ही वीडियो के और हम बात करने वाले हैं 18th एशियन गेम्स 2018 की, जो आज ही सम्पन्न हुए हैं आपके 2 तारीख को। तो हम यहाँ पर सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करने वाले हैं, जो आपको इसी वीडियो में, एक ही वीडियो में मिल जाएंगे, और ये आपके जो अपकमिंग एग्जाम है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पर हम सभी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जानेंगे। आपको इससे बिल्कुल भी रट डालना है, याद कर डालना है, क्योंकि आपके आगामी जितनी भी परीक्षाएँ हैं उनसे क्वेश्चंस बनने वाले हैं, इससे आपके एशियन गेम्स से आने वाली सभी परीक्षाओं में। चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट आज का ये वीडियो। तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले क्या लिखा हुआ है कि वेन्यू आपका कहाँ पर आयोजन किया गया इसका, 18th एशियन गेम्स 2018 का। तो पालेम बैंक जकार्ता इंडोनेशिया में किया गया। डेट कब से, मतलब कब से कब तक ये खेले गए, तो 18th अगस्त से 2 सितंबर 2018 तक ये खेले गए। कितने देशों ने इसमें भाग लिया, तो इसमें 45 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया। आप यहां पर देख सकते हैं एथलीट पार्टिसिपेट कितने हुए, 11,720 एथलीट टोटल उन्होंने पार्टिसिपेट किया, और कितने खेल हो गए हुए इसमें, तो इसमें 40 स्पोर्ट्स हुए, यानी कि 40 खेल इसमें से हुए। और ये पॉइंट आपको बिल्कुल याद रखने हैं कि इसका वेन्यू कहाँ हुआ और एक खेल कब से कब तक चले, तो आपको ये सभी पॉइंट्स एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, और आगे जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं सभी में ये क्वेश्चन ज़रूर से आएंगे। चलिए आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब यहाँ पर मैस्कॉट की बात कर लेते हैं, क्योंकि अक्सर मैस्कॉट से क्वेश्चंस बन जाते हैं और अक्सर पूछे जाते हैं। यहाँ पर 3 मैस्कॉट रखे गए हैं इस बार। देखिए पहला क्या है, भिन भिन, इसको क्या बोलते हैं, भिन भिन को बर्ड ऑफ पैराडाइज बोलते हैं, तो इसको वहाँ भिन भिन बोलते हैं इंडोनेशिया में। आटुंग, आटुंग को जो एक बेवियन डियर होता है, तो उसको वहाँ इंडोनेशिया में क्या आटुंग बोलते हैं। और क्या है काका, काका को ये जवैन राइनोसेरस है, जावैन राइनोसेरस है, इसको काका बोलते हैं। तो क्या है, भिन भिन, आटुंग और काका, ये आपके तीनों मैस्कॉट हैं, ये तीनों एशियन गेम्स में आपके दिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं पदक तालिका की, मतलब कौन देश किस इस स्थान पर रहा। तो चाइना आपका पहले नंबर पर रहा, जापान दूसरे नंबर पर, कोरिया तीसरे नंबर पर, इंडोनेशिया चौथे नंबर पर, उज्बेकिस्तान 5वें नंबर पर, और इंडिया आपका 8वें नंबर पर रहा। और इंडिया ने कितने पदक जीते, टोटल इंडिया ने 69 पदक जीते हैं, आप यहां पर देख सकते हैं। उसमें से 15 गोल्ड हैं आपके, 24 सिल्वर हैं, और 30 आपके ब्रॉन्ज हैं। तो इंडिया ने इस प्रकार 69 टोटल मेडल जीते हुए हैं। तो और अब यहां पर बात कर लेते हैं इंडिया की, तो इंडिया से कितने कंपटीटर्स हुए, 572 इन 36 स्पोर्ट, यानी कि 572 एथलीट्स ने भाग लिया 36 स्पोर्ट्स में, यानी 36 तरह के खेलों में। और फ्लैग बीयरर कौन बने, ये भी क्वेश्चन आता है आपका कि फ्लैग बीयरर कौन बना, आपका ध्वज जो लेके चलते हैं, झंडा लेके चलते हैं हमारे राष्ट्र का। तो जो ओपनिंग सेरेमनी थी उसमें क्या है, जेवेलियन थ्रो वाले, यानी कि भाला फेंकते हैं जो आपके, तो नीरज चोपड़ा ने किया ओपनिंग सेरेमनी में। और क्लोजिंग सेरेमनी में रानी रामपाल, रानी रामपाल कौन है, ये आपकी वुमेन्स हॉकी टीम की कैप्टन है ये रानी रामपाल, तो इन्होंने क्लोजिंग सेरेमनी में फ्लैग बीयरर ये बनी। आगे देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, इन पॉइंट्स को बिल्कुल भी आप मिस मत करें, बिल्कुल सभी को याद रखें, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पर आप देखिए इंडिया की पॉइंट टेबल देख लीजिए, 69 टोटल मेडल इंडिया ने जीते हैं, ये अब पूछे जाएंगे, हमेशा पूछे जाएंगे ये। उसमें से 15 गोल्ड हैं, 24 सिल्वर हैं, और 30 आपके ब्रॉन्ज हैं, तो इनको आप बिल्कुल से याद रखें, दिमाग में रखें, इनको मिस मत करें। चलिए आगे देखते हैं, अब यहाँ पर देखिए इंडिया के जो एथलीट्स हैं, तो किस खेल में कितने पदक इंडिया को मिले, कौन कौन से स्पोर्ट्स में कितने पदक मिले। तो यहाँ पर क्या है, सबसे ज़्यादा एथलेटिक्स में 19 आपको मिले हैं, टोटल पदक आपको मिले हैं। उसके बाद निशानेबाजी में 9, कुश्ती में 3, ब्रिज में 3, रोइंग में 3, टेनिस में 3, मुक्केबाजी में 2, तीरंदाजी में 2, घुड़सवारी में आपके 2, स्क्वाश में 5, सेलिंग में 3, बैडमिंटन में 2, कबड्डी में 2, कुरास में 2, हॉकी में 2, वूसू में 4, टेबल टेनिस में 2, और सेपक टकरा में 1। सेपक टकरा, अगर जिसको नहीं पता है तो मैं बता दूं कि सेपक टकरा आपका क्या होता है कि इसमें 3 प्लेयर खेलते हैं दोनों साइड, और ये क्या है, ये पैर से खेले जाने वाला वॉलीबॉल है आपका। जी हाँ, आपने हाथ से वॉलीबॉल पता होगा, और
जानते होंगे आप, अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं, सेपक टकरा तो क्या है, ये पैर से खेलने जाने वाला वॉलीबॉल। इसमें हाथ का यूज़ नहीं होता है, बाकी आप यूज़ कर सकते हैं अपने चेस्ट का, अपने नी का, अपने फीट का इसमें आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें तीन प्लेयर होते हैं ईच साइड, तो इसको हम सेपक टकरा कहते हैं। तो इस प्रकार से गोल्ड जीते इंडिया ने 15, सिल्वर जीते आपके 24, और जो आपके ब्रॉन्ज जीते उस 30, यानी कि टोटल 69 मेडल जीते इंडिया ने। ये आप याद रखना है इनको। आप पूरे किस खेल में कितने जीते ये जरूरी नहीं, किस किस खेल में सबसे ज़्यादा जीते वो याद रखना है आपको। एथलेटिक्स में 19 पदक, और इंडिया ने कितने सिल्वर, कितने गोल्ड, कितने ब्रॉन्ज जीते ये आपको याद रखना है, और टोटल मेडल आपको याद रखना है, इससे क्वेश्चंस बनेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए कुछ जान लेते हैं और चीज़ें, कि 60 साल में पहली बार टेबल टेनिस में भारत ने जीते हैं 2 पदक। टेबल टेनिस में 60 साल में पहली बार भारत ने 2 पदक जीते हैं। अब देखिए स्वर्ण पदकों के हिसाब से 5 सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, इंडिया के 5 सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देखिए। तो आप देख सकते हैं 2018 में 15 जीते जो अभी हुआ, 1951 में 15 जीते थे, 2010 में 14, 1982 में 13 और 2002 में 11। और अगर टोटल पदक टैली करें यहाँ पर तो आप देख सकते हैं 2010 में आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 65 मेडल, और इस बार इन्होंने रिकॉर्ड बनाया, इंडिया ने रिकॉर्ड बनाया है कि 2018 में इन्होंने टोटल 69 मेडल जीते हैं, यानी कि अब तक एशियंस गेम्स का हाइएस्ट ये हम लोगों ने पदक जीते हैं। हमको सबसे ज़्यादा पदक इस बार मिले हैं, टोटल 69 पदक हम लोगों ने जीते हैं 2018 में। और गोल्ड में हम लोगों ने 1951 की बराबरी की है, 15 15 मेडल। तो क्या है, इस बार हमने सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं, तो ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है 2018 इंडोनेशिया में, इस 18th एशियन गेम्स में। हम देखते हैं आगे इम्पोर्टेंट। आप देखिए ये आपके जो 2 पॉइंट हैं, नेक्स्ट एशियन गेम्स कहाँ होंगे, तो ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। ये आपके जब तक नेक्स्ट एशियन गेम्स हो नहीं जाएंगे तब तक ये क्वेश्चंस आपके पूछे जाते रहेंगे कि 19वां एशियन गेम्स आपका कहाँ होने वाला है। तो ये आपका 2022 में, ये आपका 2022 में ह्वांगझू चाइना में, ह्वांगझू चाइना में होगा आपका 19वां एशियन गेम 2022 में। और 20वें अगर एशियन गेम्स की बात करें तो कब होगा, ये आपका होगा 2026 में, कहाँ, नगोया जापान में। तो आप याद रखना है, पहले मैप में देखेंगे तो इंडिया की तरफ से देखेंगे आप तो पहले आपको चाइना मिलेगा फिर आपको जापान मिलेगा। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं कि इंडिया, अगर मैप में देखें इंडिया की तरफ से देखें तो पहले चाइना आता है फिर जापान आता है, तो इस तरीके से याद रख सकते हैं। तो यानी पहले चाइना में होंगे, यानी कि अब 2022 में चाइना में होंगे, और आपके जो 2026 में होने हैं 20वें एशियन गेम्स वो आपके जापान में होंगे। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, 19वां एशियन गेम 2022 होंगझू चाइना, 20वां एशियन गेम 2026 नगोया जापान। ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप इनको बिल्कुल भी मिस मत करें और अपने दिमाग में रखें। हाँ, अगर आप वीडियो और युवा कल्याण अधिकारी का पेपर देने जा रहे हैं तो उसके लिए मैंने पुरस्कार से रिलेटेड एक वीडियो अपलोड किया है, और 2 लास्ट 6th मंथ की करंट अफेयर्स के 2 वीडियो मैंने अपलोड किए हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो उसको आप ज़रूर से देख लें, उसको मिस मत करें, उसमें सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आप लोगों के लिए। और अगर यहीं पर अगर एक और इम्पॉर्टेंट बात कर लें कि एशियन यूथ गेम्स कहाँ होने वाले हैं, एशियन यूथ गेम्स भी आपके इंडोनेशिया में ही आपके होने वाले हैं। एशियन यूथ गेम्स, मैं कह रहा हूँ एशियन गेम्स नहीं, मैं यहाँ कह रहा हूँ एशियन यूथ गेम्स, AYG, एशियन यूथ गेम्स होंगे। कब होंगे आपके, दो आपके 2021, कब होंगे आपके 2021 में होंगे आपके एशियन यूथ गेम्स। तो याद रखें इंडोनेशिया में ही होंगे और 2021 में होंगे, तो आप बिल्कुल इसको याद रखें, इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस प्रकार से आपके। इस प्रकार से ये अगर कोई डाउट है, इसमें कोई कन्फ्यूज़न है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलें, और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें जिससे आप कोई भी करियर अपडेट मिस ना कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, पढ़ते रहें, आगे पढ़ते रहें।